नमस्कार अभ्यर्थियों, आज 15वां दिन है 45 डे स्ट्रेटजी का और आज हमारा पॉलिटी जो है उसका अंतिम दिन है। इस लास्ट डे में हमें जो निकाय हैं वो पढ़ना है और इस निकायों में सांवैधानिक जो निकाय हैं, स्टेट्यूटरी बॉडीज जो हैं वह है, प्लस अन्य जो कंसेप्ट छूट चुके हैं वह है पढ़ने हैं। इसमें आपको नीति आयोग, NHRC, CVC, CIC, लोकपाल, लोकायुक्त, CBI, लोक सेवाएं, ट्रिब्यूनल्स ये पढ़ने हैं। इसके बाद आपको जो कुछ और अन्य टॉपिक हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन का कंसेप्ट, दबाव समूह क्या होते हैं जो है वो पढ़ना है। फिर दल बदल कानून है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक सेपरेट चैप्टर भी जो है लक्ष्मीकांत पर दे रखा है, यह आपको पढ़ना है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए और UPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर आपका सोर्स जो है लक्ष्मीकांत है। इसके अलावा आपका जो है रिविजन आपको करना है, जो चैप्टर जो है राजनीतिक सिद्धांत वाली जो बुक्स हैं उसके जो चैप्टर छूट गए हैं उसका आपको रिविजन करना है। इसके अलावा जो है अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने के, डाउनलोड सेक्शन से आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा करंट MCQs डेली अपडेट हो रहे हैं, आप करंट MCQs को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली 45 डे स्ट्रेटजी का लेआउट जानना है तो 45 डे स्ट्रेटजी को क्लिक कीजिए, आपको जो है लेआउट पता लग जाएगा। इसके अलावा इंडिया ईयरबुक के भी जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका डिस्कशन हो रहा है, आप उनको जो है यूट्यूब चैनल से जो है एक्सेस कर सकते हैं। द कोर IAS सर्च कीजिए और आपको वहाँ पर जो है एक्सेस मिल जाएगा। ये आज लास्ट डे था। अब अगला दिन जो है वो पेपर का है, एक पेपर आपको भेज दिया जाएगा अगले दिन शाम को 8 बजे और आपको वह पेपर सुबह 9:30 से 11:30 ही करना है और आपको अपनी तैयारी का जो है पता लगाना है कि आपकी तैयारी कितनी परिपक्व हो चुकी है। आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वह हिस्ट्री से संबंधित होगा, इतिहास।